इस लेख मेले विच एक बार फिर सारे सजना बेलियां मित्रां नूं पैरां ते भरावां नूं जी आया नूं आखने आ ते साडा जिस तरह के शुरू दे विच कुछ सैशनस होए डॉक्यूमेंट्रीज वी और तर्जमाकारी दे हवाले दे नाल गलबात होई गुरु नानक जी दे हवाले दे नाल गलबात होई ते इस तरह जिहड़ा साडा अगला सैशन वी है जिहड़ा कि जल्दी ही शुरू होण जा रहा है चौथा सैशन है अज दा साडा पंजाब दे मुख दे दरिया पंजाब के जड़े दरिया मुकते जा रहे हैं उन्होंने हवाले के नाल है कि बनती जा रही कि साढ़े दरिया भी जड़े ने खाले बनते जा रहे हैं गंदा पानी उन्होंने सुटिया जा रहा आबादी का पानी सुटिया जा रहा तो इस हवाले के नाल साढ़े सूझवान जड़े ने पंजाब के दरियावान के हवाले के नाल गलबात करनी कि जिस तरह रावी नाल की बनी होर जड़े साढ़े ब्यास ने या दूसरे जड़े दरिया ने वो किस साल के है तो मैं याद आ रहा है अफजल अहसन रंधावा साहब का कि उन्होंने है लाइन मैं दरियावान का हानि सा मैं दरियावान का हानि सा तरने पै गए खाल नहीं माई तो जे रावी विच पानी कोई नहीं जे रावी विच पानी कोई नहीं तो अपनी कहानी कोई नहीं तो असी बकायदा जिहड़ा वो सैशन जिहड़ा वो शुरू करने हैं तो पंजाब के मुकते दरिया बारे गलबात होएगी इस सैशन के मैं सब तो पहले दावत देना डॉक्टर रोबीना शुएब न के स्टेज उत्ते तशरीफ लिया डॉक्टर रोबीना शुएब साहब अगर नहीं है तो डॉक्टर जफर हुसैन हरल साहब अगर मौजूद ने तो मैं उन्होंने दावत देना मान जो लखारी सूजवान ने आप बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी के शोभा उर्दू के उस्ताद ने पंजाब की तारीख के हवाले के नाल और जी तारीख है वो उत्ते डूंगी नज़र रखते हैं डॉक्टर जफर हुसैन हर साहब प्लीज़ तालियां मार दो जो दोस्त आते हैं ताकि हौसला अफजाई हो सके तो साढ़े अगले जड़े परौने हैं ने डॉक्टर परवेज वंदल साहब उन्हें अगर बेनती है कि वह भी तशरीफ लैन आप जड़े है ने लाहौर के एक अदारा है थाप के नाम तो उदे विच जिहड़ा उस नूं चला रहे ने उदे विच जिहड़ा है पंजाब की जिहड़ी तारीख है उहदा वसेब है कल्चर है उहदे हवाले दे नाल मुख्तलिफ जिहड़े ने उह सैशनस करवांदे रहिंदे ने ते डॉक्टर परवेज वंदल साहब ते अगले जिहड़े साढ़े मेहमान है ने डॉक्टर रोबीना शुएब अगर आ गए ने ते मैनूं थोड़ा जिहा दस देना उह जे मेरा ख्याल है नैन सुख जी पंजाबी कहानीकार ने खोजकार ने तारीखदान ने पंजाब की जिहड़ी तारीख है वो हवाले के नाल इन्हां दी डूंगी नज़र है और इस तों अलावा इन्हां नूं जिहड़ा है इन्हां दे नावल ते एक वारी टाहां इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड मिलिया और इन्हां दी कहानियां दी जिहड़ी किताब सी जोगी सप्तरा उहदे उत्ते भी इन्हां नूं जिहड़ा है इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड टाहां मिलिया उन्हां अगे बेनती कि उह वी तशरीफ लै आ ताड़ी सब दीआं तालियां दे नाल नैन सुख जी ते जिहड़ा है वो साढ़े सैशन नूं जिहड़ा वो चलाणगे मॉडरेटर ने डॉक्टर मोहम्मद इरफान चौधरी साहब डॉक्टर मोहम्मद इरफान चौधरी साहब अगर बेनती कि वही तशरीफ लैन इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर लाहौर विच पढ़ाते हैं बहुत शुक्रिया इन्हों का तो बाकी डॉक्टर साहब अगर आ जाती ने थोड़ी देर तक तो फिर वो भी ज्वाइन करनगियाँ तो माइक हूँ जोड़ा है वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान चौधरी साहब के हाथ से पंजाब के मुख दे दरिया बहुत शुक्रिया चांद शकीर खाने तो बाद आने वाले सारे इस सैशन सुनने वास्ते दोस्त जड़े आए ने उन्हों का बहुत शुक्रिया तो मैं रिक्वेस्ट करांगा कि साढ़े कोल एक भरपूर पैनल है हिस्टोरियन आर्किटेक्ट और कहानीकार रुबीना शेब साहब भी अगर शायद आईया नहीं जब अगर लेट आनगियां तो ज्वाइन कर लेनगियां ते असी इस सैशन च कोशिश करांगे कि जिहड़ी दरियावां दे हवाले नाल जिहड़ी गलबात है वो मुख्तलिफ तरीके दे नाल हो सकती है साढ़े कोल एक घंटे का टाइम ते दरियावां दी एक फिजिकल आइडेंटिटी भी है एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है एक हिस्टोरिक आइडेंटिटी भी है और सब तो वड्डी गल कि दरिया जड़े ने वो माश और तहजीब की भी बुनियाद होंगे ने लोगों की नकलो हमल का भी
बहुत चिर पहला एक जरिया बुनियादी तौर पर जो नकलो हमल वास्ते सड़क मोटरवे और रेलवे नैटवर्क नहीं सी तो दरिया ही सहूलत जी फराहम करते ये सारे जड़े पक्ष ने दरियावान देखने दे। ये एक कह लो कि वक्रे वक्रे सैशन भी इसते हो सकते हैं तो असी तरतीब इस तरह रखा मैं अपने पैनलिस्ट भी गुजारिश करा कि इस सैशन असी इंटरैक्टिव भी बनाइए तो कोई थोड़े जो चार सवाल भी लेिए आखिर तो टाइम की जी वंड असी इस तरह करा कि मैं दरखास्त करा कि जो सा पैनलिस्ट ने पहले पहले वो अपनी पाँच पाँच मिनट के अंदर जी अपनी बुनियादी पिच है कि इस टॉपिक के उत्ते इस मुद्दे के उत्ते वो की कहना चाहते हैं वो पाँच मिनट के अपनी बुनियादी गल कर फिर असी उन्हों की जी बुनियादी गल है उस उपर जो सवाल जवाब है कुछ सवाल मैं करा कुछ असी आडियंस तो सवाल लवेंगे तो ताकि आडियंस भी इंगेज हो सैशन के असी उस इस तरह चलाने की कोशिश करा तो रिक्वेस्ट मैं करा कि पाँच पाँच मिनट के हिसाब न असी बुनियादी गल रख लीए तो मेरे को स्टाफ वॉच भी है तो जोड़ा दोस्त जोड़ा है वह थोड़ा जहाँ अगर जाने की कोशिश करेगा तो मैं रिमाइंडर भी करवावगा। तो सवाल यही है कि जी ती दरियावान मुख्तलिफ तरीके दे नाल देखते हो दरियावान दरियावान के नाल जुड़ी हुई तहजीब में मुख्तलिफ तरीके पढ़िया तो मैं नैन सखना तो शुरू करा कि वह सू दस कि पंजाब के मुखते दरियावान के हवाले के नाल उन्होंने की विचार ने और की समझते हैं कि वजूहत की मेहरबानी डॉक्टर साहब वेखो मेरा ख्याल दुनिया का वाहद देश होएगा पंजाब जिदा मुहंदरा ते पछाण ही दरिया ने मतलब यदा ना अगर ग्रीक्स ने पेंटा पोटामिया क्या और हिंदू इतिहास के किधरे सप्त सिंधु क्या गया या पंच नद क्या गया तो वह ऐसे कि कुदरत का एक करिश्मा से जिन्हों लोग वेखण वाले ने ना दिता कि इन्ने दरिया ने तो इस देश का ना ही यह पै गया कि पंजाब है या पंच नद या सप्त सिंधु या पेंटा पोटामिया जो भी तुम कह लो अज जो असी इस मौजू पर गल कर रहे हैं तो मैं तो गल करते हैं कि थोड़ा डर जहा आता कि उस देश में बह के अज असी यह मातम कर रहे हैं कि दरिया मुक रहे हैं तो ये कि दुख वाली गल होगी साढ़े वास्ते। दूसरा तुम देखो कि नहरी निज़ाम आया जिद उत्ते बड़ा माण किया जाता कि असी भी अंग्रेजा ने इतने सानू एक बहुत व्डा नहरी निज़ाम दिता तो उस असी कभी भी इस पास ध्यान नहीं दिता कि जो रिवर ट्रेड हो रही थी पूरी दुनिया के खास तौर पर यूरोप के और रिवर ट्रेड में सब तो व्डा जरिया समझा जाता सी समान की जी तरसील होंगी वास्ते तो उस वेले इतने नहर बनिया और साढ़े दरिया जड़े ने वह निके तो निके होंगे गए ये उत्ते असी कोई बहुत ज़्यादा गल सुनी नहीं ना ही असी ये लिखा कई बार के लोगों ने ये लिखा कि बहुत सारिया वबावं इतने आई हैं जो इतने नहरी निज़ाम आया कोई मैं हवाला पढ़िया इंग्लैंड की किसी बीबी ने रिसर्च की थी कि बहुत सारिया वबावं इस रीजन उस वेले आई हैं जो इतने नहर बनिया। अच्छा उस बाद साढ़ा इस पास भी कभी ध्यान नहीं गया कि ईवन मुगलों के जमाने के रिवर ट्रेड सारी इतने बड़ी जोर होंगी सी और जरा शाहजहान बादशाह का उस वेले का बंदा सी जिन्हों तुम एडमिरल या अमीरुल बहर कह सकते हो अमीरुल बहर लिखा गया वो बारे मिर्जा सुल्तान बेग लाहौर च रहा और बहुत व्डे पैमाने पर रिवर ट्रेड जी होंगी सी रावी तो और दूसरे दरियावान तो फिर साढ़े लोगों का प्यार इन दरियावान के नाल क्योंकि कुदरत दे ही असं बन बेसिकली तो कुदरत दे ही असी लोग सारे कुदरत का आदर से कुदरत असी मानते स कुदरत सा प्यार करती सी असी कुदरत पूजते सीधा वेला से किसी जमाने के तो किसी दरिया कोई दरिया साढ़ा राखा दरिया से जिमें रावी में कहा जाता सी चिनाब में असी पीर दरिया मानते स इस तरह सतलुज जरा नीली कहा जाता सी फिर इस तरह सिंध न शेर दरिया आख्या जाता सी तो वह सारा सानू नज़र आता फिर उन्होंने सारी दुनिया के इंज हों कि जो सिविलाइजेशन ने दरियावान के कंढियां उत्ते बनिया साड़िया भी बहुत सारिया कहानियां साड़ी बहुत सारे पिछला जो फोकलोर है वह तकरीबन दरियावान के कंढियां के उत्ते फिर वह किवें होया कि जोड़े एडे एडे व्डे दरिया जिन्होंने बहरों आने वाले ने कहा कि यह समुद्रां दे जजीरे ने दो जो साढ़े दुआबे सन जोड़ा सीबस दुआबा या बारी या रचना या
सिंध सागर द्वार इन्हों वेख के तो उन्होंने कहा कि वे वे कोई समुद्र ने।